नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स टेक्निकल। दोस्तों, एजुकेशन न्यूज के इस फ्रेश एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सीबीएसई एग्जामिनेशन के 10th 12th डेट के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही अड़चन थी कि ये फेब में होगा कि मार्च में होगा। आज ही सीबीएसई की डिक्लेरेशन आई है कि अब एग्जामिनेशन आपके मार्च में होंगे। और दोस्तों, सेकंड न्यूज यहां पर निकल के आती है कि जो बच्चे 12th में फेल हो गए हैं उनके लिए ग्रेजुएशन का एक मौका है। जी हाँ, इग्नू ने दिया है उनको ये मौका और अब वो कुछ ऐसी कंडीशन है ग्रेजुएशन में, शायद उन्होंने एग्जामिनेशन का रखा है बीपीपी, एक कोर्स सा बनाया है उन्होंने जिसमें कुछ सिलेक्टिव कोर्स है जो कि 6 महीने से लेके 2 साल तक का कोर्स होगा, जिसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स और साथ में डिग्री कोर्स भी वो प्रोवाइड करेंगे। तकरीबन 9 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, गुजराती और एक और 2 लैंग्वेज और भी है इसके साथ। और दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है यूपीएससी एनडीए 1 के एग्जामिनेशन रिजल्ट के रिगार्डिंग, जो कि upsc.gov.in पे आप जाके चेक कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो कि इंटरव्यू है, वो 2 जनवरी को है, जिसमें तकरीबन 390 सीट्स पे इसका वैकेंसीज के रिगार्डिंग की जाएंगी। और दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 337 सीट्स पर वैकेंसी निकली है, जिसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जैसे आपके पास एमबीए के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, साथ में उनकी एज जो लिमिट है वो 20 से लेके तकरीबन 50 साल की होनी चाहिए, और नेक्स्ट है कि उसमें इंटरव्यू और जीडी ग्रुप के द्वारा आपको सिलेक्शन में किया जाएगा वहां पे। और दोस्तों, नेक्स्ट जो न्यूज है वो जेईई मेंस के रिगार्डिंग है, जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है 2018 का वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट jeeemains.nic.in पे जाके रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन न्यूज में सिर्फ आज इतना ही। और कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप चाहते हैं ऐसी फेस कैम एजुकेशन वीडियोस तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, या फिर आप वॉइस ओवर चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार ही एजुकेशन न्यूज हमारे चैनल पे ऐसे टाइप की वीडियोस आ रही हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलर अपलोड करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।